चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ और भी जबरदस्त धमाकेदार वीडियो। अगर आपका बजट 20,000 के अराउंड है, आपको अच्छे और बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी परचेज करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और खास भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले, आप करो सब्सक्राइब, ये हमारा नियम है। और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, टोटल मैंने 5 एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी सेलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइसेंस कह सकते हो आपको बिलो 20,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। हमने हमेशा की तरह एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया है एटलीस्ट सारे स्मार्ट टीवीज में, कह सकते हो 32 इंच का एलईडी का स्क्रीन साइज तो होना चाहिए और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट तो होना चाहिए और फ्लैश डी प्लस रेजोल्यूशन तो होना चाहिए, जो अक्सर कह सकते हो आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलती है। और एटलीस्ट सारे स्मार्ट टीवीज में कह सकते हो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना चाहिए, 1 GB की रैम, 8 GB की रैम एंड रोम तो होना चाहिए। और सारे टीवीज में कह सकते हो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स तो होना चाहिए, क्योंकि कह सकते हो 2 ऐप काफ़ी सारे लोग पसंद करते हो, काफ़ी ज़्यादा 2 ऐप पॉपुलर भी हैं और भी हैं तो भी चलेगा, बट कह सकते हो दोनों ऐप सारे स्मार्ट टीवीज में होना ही चाहिए। और सारे स्मार्ट टीवीज में 20 बोर्ड्स के स्पीकर्स तो होना चाहिए जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर को लेके, जो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स X1, जिसमें आपको 40 इंच का आपको एलईडी का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो फ्लैश डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ में आपको आइस केयरिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है, पिक्चर इंजन 2.0 आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियो की क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी। HDR10 भी आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको YouTube भी आपको देखने को मिलता है, Netflix भी आपको देखने को मिलता है। 24 बोर्ड्स के आपको 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। बात करते हैं 4th नंबर की स्मार्ट टीवी को लेके, जो आता है ब्लॉकपंक की तरफ से, ब्लॉकपंक साइबर साउंड, जिसमें आपको 43 इंच का कह सकते हो इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है जो फ्लैश डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। 1 GB की रैम, 8 GB की आपको रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, यूट्यूब भी आपको देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स इस टीवी में आपको देखने को नहीं मिलता, बट कह सकते हो आप दूसरी साइड से, अदर वेबसाइट से आप इजीली तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कह सकते हो उस टीवी में आपको इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे और बेस्ट स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। 40 वॉट्स के आपको 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। अगर आपका ऑडियो मेन है तो आप इस टीवी को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। दोस्तों, जो हमारी 3rd नंबर की स्मार्ट टीवी आती है, जो आती है रियलमी की तरफ से, रियलमी स्मार्ट टीवी, जिसमें आपको 32 इंच का एलईडी का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है जो फ्लैश डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ में आपको क्रोमा बूस्ट भी आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियो में काफ़ी अच्छे आपको कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, नेटफ्लिक्स भी आपको देखने को मिलता है, यूट्यूब भी आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। 24 वॉट्स के आपको कॉर्ड स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। दोस्तों, जो हमारी 2nd नंबर पे स्मार्ट टीवी आती है, जो आती है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला ZX2, जिसमें कह सकते हो आपको 32 इंच का आपको एलईडी का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों, मोटोरोला का कहना है इस टीवी में 20,000 की रेंज में आपको डॉल्बी विजन आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियो में काफ़ी अच्छे आपको कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको 2 GB की रैम आपको देखने को मिलती है, HDR10 आपको देखने को मिलता है, Android 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, YouTube भी आपको देखने को मिलता है, Netflix भी आपको देखने को मिलता है। 40 वॉट्स के आपको 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं डॉल्बी ऑडियो को और डॉल्बी एटमोस के साथ आते हैं। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं 1st नंबर की स्मार्ट टीवी को लेके, जो आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी स्मार्ट टीवी। दोस्तों, मेरे को लग रहा है ये टीवी 20,000 की रेंज में एक वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि कह सकते हो सबसे पहले इस टीवी की प्राइस आपको सारी टीवी से काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी क्लियर और बढ़िया स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। 32 इंच का आपको LED का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है, विविड पिक्चर इंजन आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियो में काफ़ी अच्छे कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मेन और खास बात, CB में आपको गूगल का कह सकते हो एंड्रॉइड का आपको लेटेस्ट वर्जन आपको एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको इस टीवी में कह सकते हो आपको 20 वॉट्स के आपको 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। और दोस्तों, खास बात, CB में आपको पैच वॉल 4+ IMDb आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी कमाल कमाल के
30 से ज़्यादा आपको OTT प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, यूट्यूब भी आपको देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स भी आपको देखने को मिलता है, और कह सकते हो पैचवॉल में आपको काफ़ी सारे टॉप फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हो आपको पैचवॉल में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। डुअल बैंड वाईफाई भी आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यही थी टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज जो मेरे को 20,000 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी टीवी बाइंग गाइड 2021 नहीं देखी तो ज़रूर से उस वीडियो को जाके चेकआउट करना, जिसका आपको पता चल जाएगा एक टीवी को बाय करते समय हमको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। टीवी की लिंक नहीं, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मैं आई कार्ड पर दे दूंगा। अगर दोस्तों उन टीवीज़ के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो तो सारे टीवीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।